गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अभी इससे जो पहले एक सीरीज जो अभी मैं स्टार्ट की थी इंग्लिश की, उसमें हमने क्या किया था, कुछ टॉपिक्स समझा रहे थे मैंने आपको। आज हम कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक इंग्लिश हमारे सारी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो एक पर्टिकुलर 10th या फिर 12th ये दो क्लास के लिए नहीं रहेगा वीडियो, सभी क्लास के लिए आप इसको देख सकते हो, ठीक। देखो सबसे पहले, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर फिंडरमैन्स अराइव या अराइव। अब ये 10th से लिया गया क्वेश्चन है ना, ये वही बच्चा कर पाया है, इसको पता हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस। देखो, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव की अराइव इसमें आ जाएगा अराइव्ड। अराइव्ड क्यों आ जाएगा, क्योंकि वॉज और वर लगा हुआ है, वॉज वर की जोड़ी में से वर लगा हुआ है, मतलब पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है। पास्ट की होगी तो पास्ट वाला ही आएगा, तो क्या आ जाएगा इसमें अराइव्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड। दे विल गो टू दिल्ली फ्लिंडरमैन्स मंडे, इन मंडे ऑन या एट। तो क्या एट आने का तो सवाल ही नहीं होता, क्यों नहीं होता आपको पता है, एट आपको नहीं होता जब टाइम के आगे लगाते हैं, तो टाइम से रिलेटेड तो बात हो नहीं रही, बड़ी जगह छोटी जगह से रिलेटेड बात हो रही, बात ये हो रही है दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। कब जाएंगे, मंडे को गए थे, सॉरी जाएंगे, विल है तो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑन। वर्क हार्ड फ्लिंडरमैन्स यू विल फेल, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डायमंड इज फ्लिंडरमैन्स हार्डेस्ट ऑफ ऑल मिनरल्स। अब यहाँ पर ए एंड द क्या आएगा, तो ESG लगा हुआ है, मतलब कि कंपेरेटिव डिग्री की बात चल रही है, तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द। क्लियर। नेक्स्ट, आई टेक योर पेन इन द नेक्स्ट, आई टेक योर पेन, नॉर्मल सा सेंटेंस है, ऑप्शन आपके पास नीड मे और यूज। तो जब हम किसी को परमिशन मांगते हैं, क्या मांगते हैं, परमिशन, तो हम क्या बोलते हैं, मे। क्या बोलेंगे, मे आई टेक योर पेन। हमने पढ़ा भी था ऐसे कि जब हम किसी पोलाइट परमिशन मांग रहे हो तो हम किसका यूज करते हैं, मे का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मे आई टेक योर पेन। नेक्स्ट, वी सॉरी ही फ्लिंडरमैन्स टू स्कूल डेली, गो व्हेन गोस। तो देखो, गो नहीं आएगा, ही गो टू स्कूल डेली नहीं, वेंट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्यों नहीं उठता है, क्योंकि पास की बात तो चल ही रही है ना, अगर बॉस अगर कुछ होता तब हम लगा देते। प्रॉब्लम है कि गो और गोज में से कुछ आएगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ही शी इट ने अपने साथ क्या लेते हैं, एस या ई एस। सिमिलरली सेंटेंस में है ही, तो ही अपने साथ लेगा एस या ई एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज। करेक्ट ऑप्शन इज गोज, he goes to school daily. Next, she said that she Flinderman's help me. उसने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी, तो क्या आ जाएगा इसमें, may या might। पास्ट की बात चल रही, कहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, might। अगर अभी प्रेजेंट की बात चलती तो may आ जाता। He has been absent Flinderman's 5 days. Most repeated question. एक बार फिर समझ लीजिए, He has been absent Flinderman's 5 days. जब भी confirmation की बात चल रही, short time और period की बात चल रही, जैसे 5 दिन, 5 days के लिए वो absent है, short time, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, for। और आप ऐसे क्या कर सकते हो इसको, जैसे for 2 days, for 3 days, तब भी हम इसका use करेंगे for का। अगर सिंस का यूज कब होता है, जब बात करते 1993, सिंस 1990 से हम पढ़ा रहे, तो किसका यूज होता, सिंस का। लेकिन हम मंडे से पढ़ा रहे, सॉरी कम टाइम से पढ़ा रहे, 2 आवर्स से पढ़ा रहे, 3 आवर्स से पढ़ा रहे, तो क्या हो जाएगा, फॉर। शी डिड नॉट लिंक द ब्लैंक्स हर ड्यूटी, डू या डिड, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डू। डिड कैसे आ सकता है, डिड तो ऑलरेडी लगा हुआ, तो शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी।
The sunset in Fingerland's west. Sunset कहाँ पर होता है? West में. A and the. जब कोई universal truth की बात चले तो सत्य बात है. तो हम इसका यूज करते हैं द का. क्लियर? तो होपफुली आपको 10 अच्छे से समझ में आ गए होंगे सेंटेंस. फिर में कुछ डाउट नहीं होगा.